बेटियों से मोहब्बत है, कभी सोचा कि इनको अलविदा भी कहना है, भेजना है दूसरे घर? मैं, मेरी पहली बेटी जब हुई थी तो छः महीने की थी, मैं उसको गोद में खिला करता था, रोया करता था। कभी लोरी लिखी आपने? कोई लोरी लिखी? झूठी। दो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला मैंने लोरी लिख के। मामा की आंखों का तारा हूँ, पापा का मैं लाडला। ना मैं मामा की आंखों का तारा था, ना पापा का लाडला था। क्यों लिखा? मेरी मुझे मेरी फितरत आदत थी। मैं छोटा था तो चॉकलेट को इस तरह देखा करता था कि ये मैं कभी खरीद नहीं पाऊंगा। फिर मैं सोचा करता था कि मैंने चॉकलेट खरीद ली, मैंने खा ली, मैंने इंजॉय कर ली। तो मोहब्बतों को भी इस तरह, जब नहीं मिली तो सोचा मिल गई, मैं उसमें जिया और वो उम्र ख़त्म हो गई, इसलिए मुझे तकलीफ नहीं होती थी। नतीजा ये निकला कि जो चीज़ भी हासिल हो जाती है उसकी वक्त भी साथ ख़त्म हो जाती है। ऑफ कोर्स, जो कुछ अब तक हासिल किया है खलील ने, इसके बाद और क्या? मैं फिर कहूँगा, ये जवाब मैंने कभी कहीं 1999 में भी दिया था कि आप मुझे देखते हो, मेरे देने वाले को नहीं देखते। जब बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग हिट हुआ तो लोग समझे इससे इसके बाद क्या हिट होगा। फिर लंडा बाजार हिट हो गया, लंडा बाजार के बाद सोचा लोगों ने कि इसके बाद क्या हिट होगा। तुम्हें मार गए शौकत अली हिट हो गया, अनोखे हिट हो गया, चांदपुर का चंदू हिट हो गया। फिर अल्लाह ने मेहरबानी की, मन चली जैसा जैसी हिट आई, निकी जी हाँ जैसी हिट आई, घर का बाओगे जैसी हिट आई, फिर प्यारे अफजल हिट हो गया, फिर सदके तुम्हारे हिट हो गया। तो वो तो मैं, मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो तुम्हारे थे हिट हो गए। मैंने तो अभी काम करना है, मेरे पास तुम हो को मैं शायद, मुझ पर यकीन कर लीजिए, क्योंकि लोग समझने में थोड़ी गलती कर जाते हैं। मेरे पास तुम हो को तुम्हें भूल चुका हूँ, उसकी मेहरबानी, वो अपने काम को खुद ही टिकरा लेता है। क्या खलील का रब से वास्ता, राबता उस वक्त होता है जब वो लिख रहा है? मेरा हर दम राबता है उसके साथ। नाराज हो जाता है तो मना लेता हूँ, तरले लेता हूँ। कैसे पता चलता है नाराज है? वो ब्लॉकेज आ जाती है। यही तो मेरा एक फ्लूक लगा हुआ है। मनाते कैसे हैं आप? मैं नमाज पढ़ता हूँ और उन माफी मांगता हूँ। माफी मांगने के वक्त नमाज पढ़ते हैं? नमाज पढ़ के माफी मांगता हूँ। अच्छा, और मैं फिक्रा बोलता हूँ, लो जी क्या साहब नाराज हो गए। क्या ऐसे घंटी बजती ख्याल आने के अलावा कि हंस देता हूँ मैं, ब्लॉकेज आती हंस देता हूँ। अच्छा। मैं लो पाजी नाराज हो गए। ये फिक्रा बोलता हूँ। अच्छा, बच्चे भी ऐसे ही सर्वसुजूद हो जाते हैं आपके साथ जब? बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा नमाज पढ़ते भी, वो मेरे बच्चे उसी तरह है। यही एक रास्ता है मनाने के लिए, नमाज पढ़ना, या कुछ और भी है? वो कोई भी तरीका हो, देखो यार को मनाने के 10 तरीके होंगे। मुझे ये अच्छा लगता है कि चलो, बल्कि मैं कहता हूँ नमाज पढ़ने के बाद कि देखो फरिश्ते इस वक्त बड़ी बदखुइयां कर रहे थे, फिर अचानक उन्होंने कहा चलो चलो देख वो नमाज पढ़ रहा आगे तो मुझे लगता है ऐसा हो रहा है, आई स्वेयर मुझे लगता है ऐसा हो रहा है और माफी मिल रही। तकसीम करते हैं अपने हाथ से, बांटते हैं? करता हूँ कभी कभार, लेकिन मोस्टली मेरी वाइफ, वो इस मामले में बड़ी दरिया दिल औरत है। अब किसी को देखते हैं रहम आ रहा हो तो कैसे उसकी मदद करते हैं? जैसे भी हो सकता है, I do it, अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे कोई कहे कि अल्लाह के वास्ते स्क्रिप्ट लिख दो? ऐसा भिखारी मेरी पहली दफा देखा।